नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे आप कोई भी मोबाइल यूज करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, कोई कॉल आपके पास आता है, वो एक कॉल हिस्ट्री बनती रहती है। कॉल हिस्ट्री से कोई आपका देखिए एक नंबर डिलीट हो जाता है या पूरी कॉल हिस्ट्री आपकी डिलीट हो जाती है। तो आप डिलीट हुई कॉल हिस्ट्री को बहुत आसानी से कैसे रिकवर कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहाँ देखे नीचे कौन सो रहा, देखे कॉल कौन सो करा, कॉन्टेक्ट, इंटरनेट ब्राउजर और मैसेज कौन सो करा। जैसे मैं यहाँ कॉल वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देखे पूरा कॉल लॉक सो करा दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखे कोई एक देखे नंबर गलती से डिलीट हो जाता है या कोई जानबूझ के डिलीट कर देता है या आप ही डिलीट कर देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं चलिए बता देता हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप इस प्रोसेस को समझ पाएंगे। जैसे आप थोड़ा सा वीडियो देखे कट कर देंगे, आप उसे यूज करने लगेंगे तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जिस एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको रिकवर करके दिखाऊंगा, वो एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। दोस्तों एप्लीकेशन ओपन हो गया है, यहां पे ऑप्शन वेलकम, यहां गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहां जो आपके मोबाइल की परमिशन मांग रहा है अभी को अलाउ करते जाना है। यहां देखिए सभी अलाउ कर दिया हूं और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। यहां देखिए ऑप्शन शो रहा है नो बैकअप और यहां देखिए रिस्टोर के ऑप्शन शो कर रहे हैं, यहां देखिए मैसेज कॉल ये सभी ऑप्शन शो कर रहा है। दोस्तों मैं आपको देखिए कॉल के बारे में बता रहा हूं, जैसे आपकी देखिए कॉल हिस्ट्री डिलीट होती है तो उसे आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों हमें यहां सबसे पहले थ्री लाइन पे क्लिक करना है और यहां देखिए होम, बैकअप नाउ, रिस्टोर, ट्रांसफर, व्यू बैकअप, डिलीट बैकअप, प्रिंट फॉर बैकअप, सेटिंग्स, टूल ये सब शो करा। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ सेटिंग्स वाले पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए सेटिंग कौन शो करा, बैकअप सेटिंग, बैकअप लोकेशन, शेड्यूल बैकअप, डार्क थीम, पासवर्ड ये सब भी हम शो करा। स्क्रॉल करके नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे देखे काफ़ी सारे हम शो कराएँ। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ बैकअप सेटिंग वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखे कॉल लॉक का ऑप्शन शो करा। दोस्तों जैसे ये ऑफ है तो आपको इसे ऑन कर लेना है, यहाँ मैसेज वाले को ऑफ ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे ऑफ करना तो ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैं यहाँ देखे मैसेज वाले को ऑफ कर देता हूँ, केवल कॉल वाला ऑन है। फिर यहाँ से बैक आना है, फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन रहा बैकअप लोकेशन, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ देखे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ऑन ड्राइव ऑप्शन शो कहा। दोस्तों मैं यहाँ देखे अपलोड टू गूगल ड्राइव, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ऑफ है इसे ऑन कर दिया हूँ। फिर यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ फुल एक्सेस, ओनली एक्सेस ऑप्शन शो करा, मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं देखिए एक जीमेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ ओके पे क्लिक करना है, फिर यहाँ लोडिंग ले रहा है और यहाँ सेव पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है, फिर यहाँ से बैक आना है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखना तभी आप इस प्रोसेस को समझ पाएंगे। इतना करने के बाद यहाँ शेड्यूल वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ देखिए ऑफ है इसे ऑन कर देना है। फिर यहाँ डेली, वीकली, हॉर्ली जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं यहाँ डेली कर देता हूँ। फिर यहाँ सेव वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको इतनी सेटिंग कर देना है, फिर यहाँ से देखिए बैक आ जाते हैं, फिर यहाँ ऊपर देखिए थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सो रहा बैकअप नाउ, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हम सुख रहा है बैकअप सिलेक्शन, कॉल लॉग और नीचे देखे ओवर वाईफाई, व्हील चार्जिंग, जैसे यहाँ पे देखे क्लिक करके इसे ऑन कर देता हूँ। फिर यहाँ बैकअप वाले पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ देखे बैकअप स्टार्ट हो गया, देखे प्रोग्रेस है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको ये सेटिंग बता रहा हूँ तो आपको सबसे पहले जैसे आप देखिए मोबाइल यूज करते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिस तरह मैं प्रोसेस बताया हूँ इसी तरह आपको सेटिंग कर लेना है। क्योंकि जब आप इस सेटिंग को एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद आपकी कोई कॉल लॉग, कोई कॉल हिस्ट्री को डिलीट होती है तभी आप रिकवर कर पाएंगे। जैसे आप इसे एक्टिवेट करके नहीं रखते बैकअप के लिए, आपका देखिए डिलीट हो जाता है, बाद में आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपके देखिए जो पहले डिलीट हो गया उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। जैसे इस सेटिंग को एक्टिवेट करने के बाद कोई भी कॉल हिस्ट्री आपके मोबाइल से डिलीट हो जाती है तो आप बहुत आसानी से रिकवर कर पाएंगे। दोस्तों जैसे यहाँ देखिए आप इतनी सेटिंग कर लिए, फिर यहाँ व्यू वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे देखे पेंडिंग ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ देखे पेंडिंग फाइल, हमें यहाँ अपलोड नाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ देखे इसका फाइल का साइज शो कर रहा है, यस वाले पे क्लिक करना है। फिर यहाँ देखे अपलोडिंग फाइल, थोड़ा वेट कर लेते हैं, प्रोसेस चल रहा है। दोस्तों यहाँ से देखिए इतना कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन रहा व्यू डिटेल, यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
फिर यहाँ देखिए ओपन हो गया है और यहाँ देखिए फर्स्ट शो करा और सेकंड भी शो करा है। यहाँ फर्स्ट वाला देखिए कॉल लॉग है और ये सेकंड वाला देखिए मैसेज के, मैं दूसरा वीडियो बनाया हूँ, ये सेकंड वाला उसका देखिए मैसेज के लिए है। मैं यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए डाउनलोडिंग फाइल, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पूरी कॉल लॉग शो कर रही है। इसी तरह जैसे आप इस सेटिंग को एक्टिवेट कर लेंगे, फिर जैसे आप देखिए आपके कॉल लॉग से, कॉल हिस्ट्री से कोई नंबर डिलीट हो जाता है तो आप बहुत आसानी से इसी तरह रिकवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ सभी नंबर शो करें, जैसे मुझे जैसे ये फर्स्ट वाले को देखे रिकवर करना है तो साइड में देखे थ्री डॉट शो करा, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ कन्वर्जन ऑप्शन, रिस्टोर दिस कन्वर्जन, डायल नंबर, सेंड न्यू मैसेज ऑप्शन शो करा। दोस्तों हमें रिस्टोर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ देखे रिस्टोर कंप्लीटेड कॉल वन, यहाँ क्लोज पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ये एप्लीकेशन को आप यूज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। जिस तरह मैं प्रोसेस बताया हूँ इसी तरह आपको करना है। जैसे आपके मोबाइल से, कॉल हिस्ट्री से कोई नंबर डिलीट हो जाता है या पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट हो जाती है तो इसी तरह आप बहुत आसानी से कॉल हिस्ट्री को देखे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों यह मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जो बताइए। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।